अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज है रमज़ान शरीफ का 12वां रोज़ा, है ना। रमज़ान शरीफ को 12 रोज़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग जो है ना, एंड तक ज़रूर देखना, और रेसिपीज़ भी अच्छी है और व्लॉग भी आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है। तो देखिए, सहरी के लिए उठ गए हम लोग, और पाव भाजी जो है ना, मैंने सहरी में दिया है लोग को, अफ्तारी में बनाया था। तो हम लोगों ने कहा था कि ये सहरी में भी खा लेंगे, और क्योंकि पसंद है सबको तो इसलिए सब ने यही खाया। उसके बाद जो है ना, मैंने पराठा भी बनाया है चाय से खाने के लिए। जिसको चाय से पराठा खाना था उनको चाय से पराठा दे दिया मैंने। और उसके बाद जो है ना, फ्रूट फ्रूट जो इसको खाना था फ्रूट भी खा लिया, और इस तरह से सहरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बहुत बिज़ी हूँ मैं, तो मैं आपको बताऊँगी आज मैंने कौन सा काम किया, मैं कहाँ गई थी आज। फ्रेंड्स, सहरी हो गई है, उसके बाद मैं सीधा आपको मिलूंगी मॉर्निंग में। और ये देखिए, सुबह हो गई है और मैं जो जा रही हूँ हॉस्पिटल, आज मेरी छोटी वाली बहन का जो है ना सीज़र था, उनको जो है ना बेबी होने वाला था। तो अल्लाह पाक सब खैर करे, बस उसी काम से मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ। सब लोग आ गए हैं, मैं भी पहुँचती हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8:30, और उसका टाइमिंग था कुछ 9 बजे का, तो मैं जल्दी से पहुँच जाती हूँ। उसके बाद मैं आपको हॉस्पिटल का वीडियो दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ, और सब लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि क्या होता है, बेटा होती है, बेटी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हुआ अल्लाह का शुक्र है। तो ज़ेबा को जो है ना बेटी हुई है, माशाल्लाह। देखिए आप लोग, बहुत क्यूट, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी परी है ना। अल्लाह की रहमत है, रमज़ान के महीने में आई, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी छोटी वाली बहन जो है ना, उनका नाम है ज़ेबा, उनके मियाँ का नाम है इमरान भाई। तो देखिए, इमरान भाई और ज़ेबा की छोटी सी नन्नी परी रमज़ान शरीफ में, अल्लाह का देखिए, अल्लाह की रहमत है, बहुत प्यारी बच्ची है। और सब लोग बहुत खुश हुए, सब लोग को बहुत खुशी हुई। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो है ना मेरे छोटे भाई है, आमिर और मुदस्सिर, दोनों बहुत प्यारे हैं, और दोनों बहुत खुश हैं अपनी भांजी से। और बस इस तरह से मैं जो है ना, अब बस मैं घर जाऊँगी वापस, और कंटिन्यू करूँगी घर के काम। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जो है ना, मैं कुछ थोड़ा सा जोहर तक बैठी, उसके बाद मैं घर आ गई, क्योंकि जोहर की नमाज़ भी पढ़नी थी और घर का काम भी था। फिर मैंने कहा कि फिर आ जाऊँगी मैं एक राउंड और। तो मैं जल्दी से जो है ना वापस घर के लिए आ गई हूँ, और फिर इफ्तार का भी था, बच्चे भी थे घर पर जो है ना, कॉलेज से आ जाते हैं और घर के काम भी होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आ जाती हूँ वापस, और वापस फिर मैं शाम में एक बार और आऊँगी इंशाल्लाह। तो देखिए, अफ्तारी का मैं बताती हूँ, मैंने जल्दी जल्दी आया, और अंडे का सालन मैंने बनाया, आलू अंडे का जो सालन था ना, तो बस अंडे आलू बॉईल के लिए रखा, उसके बाद मैंने सालन बनाया। और इफ्तारी में मैंने मूंग की दाल के बड़े बनाया, मैंने जाते वक्त ही मूंग की दाल को पानी में भिगा दिया था, और उसके बाद मैं मूंग की दाल के बड़े बनाऊंगी। और मैंने मीठे में सोचा कि जो सामान घर में अवेलेबल है, मैं उसी सामान से मीठा कोई आइटम बनाऊँगी। देखिए, मैं अंडे और आलू के सालन में ना जो है ना, सेंग दाने और खोपरे का पेस्ट है मेरे पास, मैं हमेशा पीस के रखती हूँ, वो मैंने डाले से सालन अच्छा बनता है। तो बस इस तरह से सालन बन रहा है, फ्रूट फ्रूट कट कर लूँगी। उसके बाद जो है ना, मीठे में पुडिंग बनाने का सोचा मैंने, जो जो सामान मेरे पास अवेलेबल था, जैसे क्रीम था, फ्रूट थे, ड्राई फ्रूट थे, और कुछ केक भी रखे थे, तो मैंने उसी से फिर पुडिंग बनाया। वो मैं रेसिपी आपको पूरी कंटिन्यू दिखाऊँगी।
और मैंने बस वो रोटियां बनाई, चावल बनाया, सालन बन गया मेरा, तो खाना बन के एक सेट किया मैंने। उसके बाद मैंने फटाफट से अफ्तारी की तैयारी किया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अंडे का सालन जो है मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है इसमें, लाल मिर्ची पाउडर वगैरह जो डालते हैं, बस सिंपल सा सालन मैंने बनाया। और ये मूंग दाल के मैं वड़े बना रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने मूंग की दाल पानी में भिगा के रखा था, और मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। और जो मूंग की दाल भिगी है ना, तो उसमें से मैंने क्या किया, एक हिस्सा साबित दाल निकाल लिया है। और जो है ना, इसका पेस्ट मैं किस तरह बनाऊंगी, मैंने धनिया डाला और डाला इसमें हरी मिर्च, इसमें अदरक भी मैं थोड़ी डालती हूँ, मगर जब मैं बड़े बना रही थी ना, तो फ्रेंड्स अदरक नहीं थी, तो मैंने फिर अदरक को छोड़ दिया। और मैंने खड़ा धनिया और हरी मिर्च, ये दो चीज़ों को पीसा है मूंग की दाल के साथ। और बस इस तरीके से मैंने बड़े का पेस्ट बना के तैयार कर लिया। सबको मिक्स कर लेंगे, इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ज़ीरा, और बस मिक्स करूंगी। लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। और सबका मिक्सचर बनाएंगे और बड़े बना लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पुडिंग मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये जो है ना, बारीक कटे हुए फ्रूट्स मैंने ले लिया है, जो जो फ्रूट्स मेरे पास घर में मौजूद थे मैंने वही वाले फ्रूट लिए हैं। और केक जो लिया है, ये मार्केट से मैंने मंगाया है केक, और कुछ केक घर में भी अवेलेबल थे तो थोड़ा सी मुझे ज़रूरत थी तो मैंने बाहर से मंगा लिया है। केक के स्लाइस को जो है ना, बर्तन में मैंने इस तरह से एक पॉट में या एक प्याले में आप इस तरह से केक के स्लाइस को पहले रख लिए। उसके बाद जो है ना, मैंने उसमें फ़्रेश क्रीम डाला है, फ्रेश क्रीम या घर के दूध की निकली हुई मलाई भी आप ले सकते हैं। और उस क्रीम में वेनिला एसेंस आपको डालना है। उसके बाद जो है ना, केक के ऊपर फ्रेश क्रीम डाल देना है। उसके बाद आपको इस पे जो है ना, पूरे फ्रूट्स डाल देना है, जो हमने फ्रूट्स कट करके रखे वो सारे फ्रूट मैंने इस पे डाल दिए है। उसके बाद जो है ना, मैंने 1 कटोरी कस्टर्ड बनाया है। एक 1.5 कप दूध लिया था मैंने, उसमें 1 टीस्पून शुगर डाल के कस्टर्ड को बना लिया था। ठंडा करने के बाद जो है ना, अब मैं इस फ्रूट्स के ऊपर कस्टर्ड डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने जो है ना, ड्राई फ्रूट ये सॉरी फ्रूट्स डाला, उसके बाद मैंने एक कस्टर्ड को डाल दिया। उसके बाद उसके ऊपर एक बार और क्रीम की लेयर डाल देंगे। उसके बाद मैं डालूँगी उसके ऊपर अच्छे से ड्राई फ्रूट्स, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और इस तरह से पुडिंग बन के तैयार हो जाएंगी। फ्रीज़र में इसको अच्छे से चिल्ड ठंडी कर लीजिए, उसके बाद इसे खाना है। बहुत मज़ेदार, बहुत उम्दा, बहुत टेस्टी होती है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आज इफ्तारी मैंने बनाया था। जो जो सामान घर में अवेलेबल था बस उसी से मैंने इफ्तारी बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह दस्तर सजा लिया है, दुआओं के लिए हाथ उठे हैं, और अल्लाह पाक हर दुआओं को, हर जायज़ दुआओं को कबूल करे। बस इस तरह से इफ्तारी हुई, और इसके बाद मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।